हज़रत अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ीन जोगीपुरा में, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास राजा साहब, जो मुस्तकिल तकरीबन 11 साल से यहाँ पर खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं क्या तासुर है, क्या खिदमत का जज्बा है, और क्या ये खिदमत का जज्बा आप में कैसे पैदा हुआ जोगीपुरा में, जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुस्तकिल? अस्सलाम वालेकुम। ये जो दर है, ये मौला के दर, ये हम तो खिदमतदार हैं, करवाने वाले ये मौला हैं। और इस बार इस दरगाह की सरजमीन पर जो इंतजामिया कमेटी ने इंतजाम कर रखे हैं, मौला उनको और तौफीक दें कि आने वाले टाइम में से ज़्यादा इंतजाम हों, और जो दूर दूर से जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ जो जायरीन आते हैं, उनको बेआरामी ना हो, उनके आराम के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए और मुकम्मल इंतजाम किए जाएँ। और मैं दुआ करता हूँ आने वाले टाइम में इंतजामिया कमेटी, जो भी इंतजामिया कमेटी इस दर पे हो, वो इंतजामिया कमेटी आने वाले जायरीनों के लिए बढ़िया से बढ़िया बेहतर इंतजाम करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और मैं बाय बर्थ अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ, आज तक कभी नागा नहीं हुआ। और हम यहाँ खिदमतदार हैं, खिदमत करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दर से आज तक जो मांगा है वो हमें मिला है। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने मोमिन इस दर पर आए हुए हैं दूर दराज से, उनकी दुआएं कबूल हों, यहाँ से किसी की भी झोली खाली ना हो, सब झोलियाँ भर के जाएँ। खुदा हाफिज़।